शिक्षा मनोविज्ञान में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग शिक्षा पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे। सवाल ये उठता है कि इतना ज़्यादा विषय होने के बाद भी शिक्षा मनोविज्ञान की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यही वो विषय है जो आपको ये बताता है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। जहाँ तक हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो आपने शिक्षा पढ़ा होगा, बहुत ढेर सारी परिभाषा पढ़ी होगी कि शिक्षा शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगा करके बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। और एक नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो शिक्षा वो है कि प्राप्त ज्ञान का जो हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं उसको हम लोग शिक्षा कहते हैं। अगर प्राप्त ज्ञान व्यवहार में प्रयुक्त नहीं हुआ तो क्या, प्राप्त ज्ञान अगर व्यवहार में प्रयोग नहीं हुआ तो क्या है, इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना कहते हैं कि प्राप्त ज्ञान जो है वो सिर्फ अगर व्यवहार में प्रयुक्त नहीं हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ इसको हम लोग सूचना कहते हैं। और सूचना वो होती है कि जिसपे अमल करना न करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मनोविज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी और लागत से, जिसका अर्थ होता है साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लागस का अर्थ होता है अध्ययन। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। लेकिन इसमें एक बहुत जो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी वो ये थी कि आत्मा का ना तो हम लोग उसको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना महसूस करते हैं और ना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मनोविज्ञान का वो आत्मा में हम लोग कैसे मापन करेंगे। आत्मा का आप ऐसा तो हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं कि हमने लगाया और चेक कर लिया कि आत्मा ये बता रही है, आत्मा वो बता रही है। आत्मा के बाद जो है वो चेंज हो मन का, मन का अध्ययन करना ही क्या है, मनोविज्ञान। मन में भी सेम दिक्कत थी आत्मा वाली, ना देखा जा सकता था, ना महसूस किया जा सकता था, ना मेजर किया जा सकता। आत्मा से चलता हुआ ये पहुंचा चेतना पे। चेतना का अंदाजा तो हम लगा सकते थे लेकिन वही दिक्कत थी, वही मेजर नहीं हो रहा था, तो बुडवर था। गुरुवर्थ ने कहा कि देखिए ऐसा है कि ये जो है व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान। और उसके बाद उन्होंने परिभाषा दी कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, उसके बाद वो मन का त्याग किया, चेतना का त्याग किया, वर्तमान में ये व्यवहार का अध्ययन करती है। तो मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा जो है वो व्यवहार में परिवर्तन करती है। और शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार का अध्ययन करती है। ये वो परिस्थिति है जिसमें हम लोग, विद्यालय हमारा है, सामाजिक परिवेश है, शिक्षक है, शिक्षार्थी है, विद्यालय है और उससे संबंधित अधिगम प्रक्रिया से संबंधित जितने हमारे जो कंटेंट हैं वो सारे जो है शैक्षिक परिस्थिति में आते हैं। शुरुआत जब हम लोग इसकी करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि सीटेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अमूमन जो इसके प्रश्न होते हैं वो पेडागॉजिकल होते हैं, शिक्षण शास्त्र। और शिक्षण शास्त्र आप जानते हैं, अगर आपने ये शब्द सुना होगा तो आपको पता होगा कि ये शिक्षण शास्त्र एक नया शब्द सुना भले होगा पेडागॉजी, लेकिन ये है नहीं। पेडागॉजी जो है वो बहुत पहले से चलता है। अमूमन अगर हम लोग बात करें तो ये चल रहा है वैदिक काल से। कहने का मतलब ये है कि जब से शिक्षा की शुरुआत हुई तब से शिक्षण शास्त्र चल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम लोग पढ़ाते हैं या जब हम लोग पढ़ने जाते हैं तो कुछ ना कुछ पहले से व्यवस्थित होता है, पहले से डिसाइड होता है कौन कितना पढ़ाएगा, कौन सी क्लास चलने वाली है, किन बच्चों को पढ़ाया जाएगा, किस लेवल का उसके लिए करिकुलम होगा, कौन सी परिस्थिति से आया उसके लिए कौन से एग्जाम्पल दिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। और यही शिक्षण शास्त्र आपके सीटेट के एग्ज़ाम में अमूमन 75 नंबर तक पूछा जाता है। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपको बस वो जब आप पेपर के लिए बैठे तो आप ध्यान दें कि आप जब बैठे तो अपने आप को पूरा पूरा मास्टर समझें, और पूरा पूरा मास्टर समझें, थोड़ा बहुत स्टूडेंट समझें, दोनों को मिला करके अगर आप सॉल्व करते हैं पेपर तो यकीन मानिए सबसे बेहतरीन पेपर आप सॉल्व करके आएंगे। अमूमन जो है वो आपका बहुत ढेर सारा नंबर आएगा। नंबर बहुत मायने नहीं रखता इसलिए क्योंकि 90 वाला भी वहीं बैठेगा, जहाँ 118 वाला बैठेगा, 120 वाला भी वहीं बैठेगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि आप जो है मैक्सिमम नंबर जो है गेन करें। क्योंकि जब कोई एग्ज़ाम में बैठता है तो वो 15 नंबर के लिए नहीं बैठता,
या 50 नंबर के लिए नहीं बैठता, वो डिसाइड कर लेता है कि वो 150 में 150 के लिए बैठ रहा है। तो जो आपका इसमें सीटेट में जो आपका पहला टॉपिक बनता है, सीटेट में आपका जो सबसे पहला टॉपिक बनता है वो है कि शिक्षण की विकास की अवधारणा। विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध, ये पहला टॉपिक जो आपका सीटेट का है, ये सिर्फ मतलब एक तरीके से बताने के लिए है। अगर आप सिर्फ अगर आप ये सोचें कि हम विकास की अवधारणा पढ़ लें और उसके बाद अधिकम से इसका संबंध पढ़ लें, इतने से हमारा काम चल गया, तो हम चलने वाला नहीं। इसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और जो पढ़ना पड़ेगा वो आपको वृद्धि पढ़नी पड़ेगी, विकास पढ़ना पड़ेगा, प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने पड़ेंगे। वृद्धि विकास प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारकों में हम लोग दो कारक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा जाता है, वो है आपका अनुवांशिकता, दूसरा जो है आपका पर्यावरण। एक अगर आपसे अगर पूछा जाए या फिर आपको बताया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या करता है, अनुवांशिकता प्रभावित करती है कि पर्यावरण प्रभावित करता है आपके विकास की प्रक्रिया, तो आप क्या कहें, आपको पता है? पर्यावरण। अच्छा, अगर आप पर्यावरण कहते हैं तो बहुत सीधी सी बात है। आप ये सोच के देखिए कि हम लोग एक आम का पेड़ लगाते हैं, एक बबूल का पेड़ लगा देते हैं, दोनों पास पास, और दोनों को एक ही खाद पानी दिया जाएगा, एक ही सूर्य की रोशनी भी मिल जाएगी, हवा पानी मिल जाएगा। आप उम्मीद करके बताएं कि क्या होगा, आम वाले में बबूल आ जाएगा? हाँ, क्या प्रभावित कर रहा है? जी डीएनए, डीएनए इसमें भी झगड़ा। जैसे आप ये आप समझें कि एक पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं, जीन की हम लोग बात कर रहे हैं, पीपल का पेड़ देख रहे हैं, दो पीपल के पेड़, दो बीज हैं पीपल के, एक को हमने वो लगा दिया खाद पानी वाले जगह पे, एक दीवार पे उगाया, दोनों में विकास कौन सबसे ज़्यादा करीब? अब यहाँ क्या डिसाइड हो रहा है कि सभी चीज़ें इन्वायरमेंट, कहने का मतलब है आपने अगर दो शब्द सुना होगा, एक योग्यता एक क्षमता, दोनों की अगर हम लोग बात करें तो योग्यता वह होती है कि हमने अब तक क्या किया है, वो हमारी योग्यता है, और क्षमता यह है कि हम क्या कर सकते हैं। योग्यता यह है कि हमने अभी आपने बीटीसी किया है, बीटीसी किया है, एमएड किया है, और क्षमता यह है कि आप आईएएस बन सकते हैं। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हम लोग अगर पर्यावरण और इन्वायरमेंट की, अगर पर्यावरण और अनुवांशिकता की बात करते हैं, तो अनुवांशिकता जो है वो हमारी क्षमता को डिसाइड करती है, क्षमता को बताती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम कितने बड़े हो सकते हैं, हम कितने मोटे हो सकते हैं, हमारी बुद्धि कैसी हो सकती है, ये सब जो है डिसाइड कर देता है तो हमारी क्षमता, हमारी अनुवांशिकता। लेकिन योग्यता का निर्धारण जो है वो पर्यावरण करता है। आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, घर बैठे रह गए, आपकी आईक्यू बहुत ज़्यादा तेज है, कोई आपको स्कोप नहीं मिला, तो योग्यता का निर्धारण क्या करेगा? पर्यावरण। और क्षमता का निर्धारण कौन करेगा? अनुवांशिकता। तो ये जो है टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले कारकों में पर्यावरण और अनुवांशिकता। उसके बाद जब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो सीटेट में अगर आप लोग बात करेंगे विकास की, तो आप विकास को आप जानते हैं कि हम लोग शैशवावस्था से शुरू करते हैं, हालांकि बालक के विकास की प्रक्रिया जो है वो गर्भकाल से शुरू होती है। अब आपसे पूछे ना कि विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो अमूमन लोग जवाब देते हैं ना शैशवावस्था से लेकर के वो वृद्धावस्था और जीवन पर्यंत मृत्यु वाला सब बता देते हैं, लेकिन ये नहीं बताएंगे विकास की जो प्रक्रिया होती है वो चलती है गर्भकाल से। गर्भकाल से जो विकास हमारे बुद्धि और विकास की जो प्रक्रिया चलती है, हालांकि हम लोग पढ़ते हैं उसको शैशवावस्था कहते हैं, तो ये जो है प्रक्रिया जब चलना शुरू होगी तो आप याद रखिएगा, तो हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या क्या, शैशवावस्था, शैशवावस्था की विशेषताएँ, शैशवावस्था में शिक्षा। ध्यान देने की बात यह है
कि अगर आप हो सकता है कि सहसावस्था में आप निकाल दीजिए उसकी विशेषता एक आखिर जो कि भूल भी जाइए, लेकिन आप सहसावस्था में एजुकेशन कैसे देना है अगर आप याद रखते हैं तो सीटेट का पेपर आप बहुत से कम ये जो पीआरटी लेवल पे होता है प्राइमरी लेवल पे होता है इसको आप बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। सहसावस्था, सहसावस्था की विशेषताएँ, सहसावस्था में शिक्षा, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था की विशेषताएँ, बाल्यावस्था की शिक्षा, उसके बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था की विशेषताएँ। किशोरावस्था का चैप्टर हमारा थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि यहाँ जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी ब्राड होना शुरू होती है। हमारा बौद्धिक विकास अपने चरम पर होता है, शारीरिक विकास चरम पर होता है, संवेगात्मक विकास का तो कोई होते ही पता नहीं होता है कि मतलब होता है ना समुद्र के बिगड़ी हुई लहरों की तरह होता है, इधर से आएगा उधर जाएगा, कोई गारंटी नहीं होती। तो ऐसा किशोरावस्था, किशोरावस्था की विशेषताएँ, किशोरावस्था की समस्याएँ और किशोरावस्था में शिक्षा, ये प्रक्रिया जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे विकास की अवधारणा, यहाँ हमारा विकास का अवधारणा पूरा होगा। रही बात अधिगम से उसका संबंध, जब आप ये जान जाएंगे कि सहसावस्था की विशेषताओं को पहचानेंगे, बाल्यावस्था की विशेषताओं को पहचानेंगे, उसके बाद किशोरावस्था की विशेषता को पहचानेंगे, तब आप उसके लिए अधिगम का इंतजाम अच्छे से कर पाएंगे। आपको पता होगा कि सहसावस्था का बच्चा है उसके अंदर जो है तो पुनरावृत्ति की वो बहुत तेज होता है, प्रवृत्ति जो होती पुनरावृत्ति की वो बहुत ज़्यादा तेज होती है। ऐसी स्थिति में तो हम उसके लिए ऐसे करिकुलम का इंतजाम करेंगे जो वो रट करके काम चला ले। बाल्यावस्था में होता है बच्चा वो मतलब होता है ना हरदम वो कुछ ना कुछ कुछ ना कहा जाता है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि बच्चों से हमको तीन चीज़ें, बाल्यावस्था के बच्चों से हमको तीन चीज़ें सीखनी चाहिए। नंबर एक हमेशा खुश रहना, नंबर दो हमेशा व्यस्त रहना। अब देखिए कि बाल्यावस्था का बच्चा वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। अब आप सोचिए कि एक बिजी बच्चे को, एक बहुत व्यस्त बच्चे को क्लास में बहुत देर बैठा करके अगर आप पढ़ाएंगे तो वो पढ़ेगा कत्ते ही नहीं, पड़ेगा भाग जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या करना है, हम उसके लिए खेल का इंतजाम करते हैं। अब खेलेगा तो सीखेगा, जितना मैक्सिमम सीखेगा वो हमारे अधिगम की अवधारणा को वो होता ना उसका वो अधिगम से उसका संबंध बनता जाएगा। उसके बाद हम लोग तीन चीज़ें बताई थी, एक ये खुश रहना, व्यस्त रहना और तीसरा बताया था जो पसंद हो उसको हक पूर्वक मांगना, जो कि हम लोग छोड़ चुके हैं। रही बात किशोरावस्था की, तो आप किशोरावस्था में जानते हैं कि इस समय जो है बच्चे का जो है वो संवेग जो होता है वो बहुत चरम पे होता है, उसका शारीरिक विकास एकदम चरम पे होता है, उसका बौद्धिक विकास एकदम चरम पे होता है। हम उसके लिए कुछ कठिन पाठों का इंतजाम करते हैं, उसको जो है कि एक सही वे में ले जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कहा जाता है वो कौन कहा था स्टेनलेहाल किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव तूफान की अवस्था, तो ये इसलिए नहीं है। आपने अगर देखा होगा, महसूस किया होगा, अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो नाली में बहता पानी देखा होगा, वो पानी ऐसा होता है ना कि अगर सही ढंग से चल रहा है तब तो सही धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन अगर कहीं गलत जगह कट जाए पानी का वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। किशोरावस्था का बच्चा है वो नाली में बहता हुआ पानी है, अगर आपने सही जगह उसको पहुंचा दिया तो पहुंच गया, अगर कहीं बीच में कर दिया तो दिक्कत आएगी। ऐसी स्थिति में हम लोग जब बात करते हैं सीटेट के सिलेबस की, तो आपने देखा होगा तो वो बहुत ज़्यादा आपसे ये पूछता है कक्षा पाँच का बच्चा है इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, कक्षा तीन का बच्चा है इस तरीके का व्यवहार कर रहा है। तो जैसे कक्षा तीन कक्षा पाँच का वो नाम लेता है हमारे दिमाग में उसका एज आ जाता है, पाँच का बच्चा है दस साल का होगा, तीन का बच्चा है आठ साल का होगा, सात साल का होगा, नौ साल का होगा, तो ये का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि सहसावस्था का बच्चा है, बाल्यावस्था का बच्चा है, किशोरावस्था का बच्चा है, ये इसकी विशेषता है, ये इसके लिए एजुकेशन सिस्टम है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अधिगम। अधिकम में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थांडाइस को, पावलो को, स्किनर को और कोहलबर्ग होगा संभवतः सर सिलेबस में, तो वो पढ़ेंगे अधिगम। अगर हम लोग बात करें एक साफ तरीके में अगर हम लोग जाने तो अधिगम क्या है, अधिगम जो है कि हमारा व्यवहार परिवर्तन है। अगर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं अभ्यास के द्वारा, अभ्यास और अनुभव के द्वारा हमारा जो व्यवहार परिवर्तन होता है वही जो है अधिगम कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि हर काम हम अभ्यास से नहीं सीख सकते, हर काम हम जो है अनुभव से भी नहीं सीख सकते। जैसे अगर आप बात करें आपको साइकिल चलानी है तो आप अनुभव से नहीं सीखते, घर बैठे हैं आप वैसे पैर हिलाए जा रहे हैं हिलाए जा रहे हैं तो आप नहीं सीख पाएंगे। अब अगर आप जब तक कि अभ्यास ना कर लें, आप अभ्यास करेंगे साइकिल चलाना सीखेंगे, जहाँ तक अनुभव की बात है आप एक बार लाइसेंस से चल जाएंगे, मुझे उम्मीद है आप दोबारा अभ्यास करने नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए कम से कम ये अभ्यास करके नहीं सीखेंगे। तो
कहने का मतलब यह है कि हम अभ्यास और अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होगा उसको अधिगम कहा जाता है। और इस अधिगम की श्रेणी में हम लोग संज्ञानात्मक पढ़ेंगे, व्यवहारवादियों को पढ़ेंगे, दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो बनता है वो विकास, विकास की अवधारणा है, अधिगम, अधिगम से उसका संबंध, इसी तरीके से बाई टॉपिक टू टॉपिक हम लोग इसको ख़त्म करेंगे।